विकास दुबे की राह पे जय बजपेयी। जी हाँ, अभिरक्षा में ठाट से चलता दिखा विकास का खजांची। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज, मैं हूं अंजी चावला आपके साथ। आपको बता दें कि विकास दुबे का खजांची जय बाजपेयी पेशी के लिए लाया गया था कानपुर को। वही दुर्दांत विकास दुबे का गुर्गा है जय बाजपेयी। तबातोड़ पुलिस के ऊपर विकास दुबे ने जो गोलियां चलाई थी उसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। दुर्दांत विकास दुबे ने एनकाउंटर के बाद भी नहीं कम हो रहे खजांची के तेवर। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से आए दिन करता रहता है झड़प। ये जो लोग आए दिन मीडिया कर्मियों से झड़प करते हैं और मीडिया कर्मियों पर निशाना साधते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी एक मीडिया कर्मी क्यों होता है? जिस देश का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है, उस देश का क्या होगा, सवाल होने लगा है। आपके मन में भी यही सवाल होगा। आपको बता दें कि एक मीडिया कर्मी वो होता है जो धूप में चलकर वो तलाशता है कि कोई प्यासा तो नहीं है, कहीं कुएं तो नहीं है, कम है, जो खुद प्यासा रहकर कुएं की तलाश करता है, जो खुद बारिश में भींग कर खबर लाता है, जो खुद ठंड और धूप को झेलकर आप तक खबर पहुंचाता है ताकि आप तक हर खबर पहुंचे और सच्चाई से भरी खबर पहुंचे। लेकिन बहुत ही बड़े कह सकते हैं हमारे देश की अब विडंबना है कि आज मीडिया कर्मी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और बिंग अ मीडिया पर्सन, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जो गुर्गे हैं, जो गुंडे मवाली हैं, वो भी मीडिया से झड़प कर रहे हैं, सरकार क्या सो रही है? सो रही है सरकार, कौन देगा जवाब? अगर कोई पुलिस वाले पे हाथ उठाता है तो आप तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन लेकर आए हो, लेकिन अगर कोई मीडिया के साथ झड़प करता है और मीडिया वालों पे हाथ उठाता है, मीडिया वालों के साथ बदसलूकी करता है, तो इस पे कोई भी कानून क्यों नहीं? मैं आप सभी से पूछती हूँ, क्या वो दिन नहीं आ गया जब मीडिया वालों पे अगर कोई हाथ उठाए, उनके साथ झड़प करे, तो इसके लिए भी कानून बनना चाहिए? आप भी बताइए, और आपके साथ कुछ इस तरह का होता है तो जरूर सवाल उठाइए। आपको बता दें कि कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान उसका तेवर दिख रहा था, एक गुंडे का तेवर, देखिए जरा। वह अभी रक्षा में आए पुलिस कर्मियों ने कैदियों के मैनुअल को पालन भी नहीं किया, इसलिए अपराधियों में कैद होने का खौफ नहीं रहता है क्योंकि सभी सुविधाएं मैसर होती है। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का खजांची जय बाजपेयी कानपुर देहात माली जेल में पेशी के लिए लाया गया था और उसी दौरान उसने मीडिया कर्मी से झड़प की। आप एक बात बताइए, एक आरोपी जो जेल में है उसका इस तरह का दबदबा उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि आप एक आम आदमी उत्तर प्रदेश में कितना सुरक्षित है। कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों के वीडियो बनाते समय जय बाजपेयी ने कैमरे पर हाथ मारा था। आपको बता दें कि 2 साल से जेल में बंद होने के बाद भी कम नहीं हुई है जय बाजपेयी की दबंगई, अभी तो उसकी शुरुआत है। इस शुरुआत को खत्म कौन करेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पे एक्शन लेगी? आप ये देखते रहते हैं, जब एक मीडिया कर्मी के साथ कुछ गलत होता है तो आप सभी वीडियो बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं, उस पर हंसी ठहाके लगाते रहे। याद रखिए, घर फूस का आपका भी है, और आज किसी के और के घर में आग लगी है, कल आपके घर में भी आग लग सकती है। तो इन दबंगों, ये जो दबंगई कर रहे हैं, ये जो आरोपी हैं, जो जेल में भी रहकर जो इस तरह से जो इनकी दबंगई कायम है, आप उनको किस तरह से उस पर एक्शन लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार सोती रहेगी? क्या ये जो सरकार है, ये प्रवक्ता जो हैं, ये लोग बैठते हैं सिर्फ चैनल में, ये सिर्फ अपने चैनल में प्रचार करवाने के लिए बने हैं, और ये जो गोदी मीडिया है जो चीखती चिल्लाती रहती है, आज क्यों उसके जुबान बंद है? आपका क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।